भाई गलत है, पूरी खड़ी चढ़ाई है यार। कार तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती, कार तो कोई थार नहीं आ सकती यहाँ पे, कार तो छोड़ो। देखो भाई जो ऑफ रोडिंग करते हैं, करना जानते हैं, वही इस रूट पे आए हैं। आम बंदा भाई साहब अपनी बाइक लेके यहाँ पे बता देना फंस जाओगे। हम चार राइडर थे, एक का पता नहीं आगे निकल गया, कहाँ रह गया भाई। चलो एक बात तो है भाई साहब, हमने पहले आए राइडर हैं जिन्होंने इस जगह को एक्सप्लोर किया है भाई। मैं कह रहा था लंबा कट मारो यार, देख के बंद करो, अंधेरा होने वाला है। बारिश इतनी ज़बरदस्त हुई ना कि हमारे बूट, कच्छे, पजामे, टी शर्ट, बनैन सब कुछ पानी से भरा पड़ा है। बुरा ओ गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल जे? वधिया वधिया ही होना चाहिए। तो अभी हम देख लो किन वादियों में घूम रहे हैं। नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर हम आ गए थे, कहाँ पे भाई? राती घाट, 20 किलोमीटर थे राती घाट। मेरा पिछला व्लॉग देख लेना, तो राती घाट का पूरा व्लॉग मैंने शूट किया हुआ है। क्या एडवेंचर किया हमने वहाँ पे, A1 A क्लास, 100 नंबर, 100 नंबर। तो अब राती घाट से हम ऑफ रोडिंग के लिए नैनीताल जा रहे हैं। आए थे हम बिल्कुल पीछे रास्ते से, बिल्कुल बढ़िया हाईवे है, लेकिन जाती बार एक एडवेंचर और करने वाले हैं कि हम ऑफ रोडिंग ले लिया। 11 किलोमीटर है राती घाट से नैनीताल, आप देख लो। ऐसे ऑफ रोडिंग में हम बाइक चला के जाएंगे नैनीताल तक 11 किलोमीटर। तो पूरा यहाँ पे भी धमाल होने वाला है। पिछले वीडियो में आपने देखा है कैसे भानु ने बाइक गिरा दी। मैं कीजिए नैनीताल, अगर आते हो आप बाइक राइडिंग करते हो, कार वगैरह नहीं आ सकती, मैं आपको पता नहीं, कार जो अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो नहीं आ सकते आप। हाँ लेकिन अगर आप बाइक राइडिंग करते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये पहली जगह हमने जो एक्सप्लोर की है, आज से पहले कोई राइडर यहाँ पर नहीं आया। फर्स्ट टाइम हम राती घाट के रस्तों में जा रहे हैं। ये देख लो मेरी गाड़ी ना फंस जाए कहीं। ओह भाई जंगल है ये तो पूरा है। भानु भानु बाइक ना खींच नहीं रही। नहीं तू नीचे उतर, पैदल पहुंच, मैं आ रहा हूँ। ये ऑफ रोडिंग है पूरी। आज से पहले एक या आधा बंदा यहाँ पे आया होगा, मैं पक्का नहीं कह रहा। जंगल ही है भाई पूरा। जो ऑफ रोडिंग को एंजॉय करते हैं वो इस रोड पे आ सकते हैं। नैनीताल आओ, नैनीताल के आगे 20 किलोमीटर आओ और पूरा लुफ्त उठाओ, पहाड़ों का भी, ऑफ रोडिंग का भी, नदी का भी, नज़ारों का भी। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, कार तो नहीं आ सकती यहाँ पे भाई। बहुत ट्रेन बंदा चाहिए कार चलाने के लिए जो यहाँ पे इस रोड पे आ सकता है। और ये जंगल ही है जहाँ हम जा रहे हैं। और कुलप्रीत भाजी आगे पहुँच गए हैं। आप अंदाज़ा लगा लो कि आपकी बाइक चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, लंबी हो, भाई हो, भारी हो, इंजन में जितनी मर्जी हैवी हो, जितने मर्जी सीसी की हो, आपको पहले या दूसरे गियर में यहाँ पे चलना पड़ेगा। तीसरा चौथा तो भूल जाओ आप, पहले और दूसरे गियर में बाइक चल रही है मेरी अगर। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, देखो भाई जो ऑफ रोडिंग करते हैं, करना जानते हैं, वही इस रूट पे आए हैं। आम बंदा भाई साहब अपनी बाइक लेके यहाँ पे बता देना फंस जाओगे। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, बारिश भी पड़ रही है। हाँ और नहीं, फोटो नहीं खींचने अभी, यहाँ बालू आ गया तो फोटो तुम्हारी खींच देगा वो। ओ भाई चल ही नहीं रही, पहले पे भी नहीं चल रही हो। देखा 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 भानो, धक्का मार पीछे, धक्का मार थोड़ा सा। चलो ओ भाई, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भाई साहब, जिनके बाइक और ऑफ रोडिंग करनी आती है इस जंगल में तभी आना, नहीं तो फंस जाओगे। जल्दी बैठ भानो, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। अरे बाद में कर देंगे, नीचे चल के ठीक है, सो बैठ जा तू। इस खाली जगह पे ज़्यादा रुकना अच्छा नहीं होता भाई, ग्रुप के साथ जाना चाहिए हमें। खींच नहीं देना बाइक, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, ऊपर से दो बंदे बैठ गए हम, और मेरे टायर में, बाइक की में हवा भी कम है। अरे गलती की हमने यहाँ से आके, हमें यहाँ से नहीं आना चाहिए था, है ना? चढ़ाई गलत है, पूरी खड़ी चढ़ाई है यार।
कार तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती, कार तो कोई थार नहीं आ सकती यहाँ पे, कार तो छोड़ो। सामने व्यू देख ले भानु, ओए भूल जाएगा तू सारा कुछ। वो कहाँ जा रहे हैं हम भाई? कर लो ऑफ रोडिंग। कौन कह रहा था ऑफ रोडिंग करने को? पूरी ऑफ रोडिंग करवा दी भगवान ने, कही तो चलो ऑफ रोडिंग मांग रहे हो तो लो फिर जबरदस्त तरीके से लो। कोई गांव भी नहीं आ रहा जिसमें रुक के थोड़ा रेस्ट कर ले, जंगल ही जंगल है। नैनीताल के लिए जो ऑफ रोडिंग रास्ता जाता है भूल के भी मत आना, अगर आप में जिगरा है दिलेरी है तो आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वीडियो देख के आप कहीं निकल मत पड़ना इस वीडियो ऑफ रोडिंग रास्ते को एक्सप्लोर करने के लिए। रोड का तो नाम ही नहीं, मेरी बाइक भी थोड़ा सा इतने खड्डों में खटखट करने लग गई है, कुलप्रीत बाजी की भी कर रही है। तो अभी 11 किलोमीटर हमने जाना है और हमें 15 से 20 मिनट ज़्यादा ही हो गए, आधा घंटा होने वाला, और आधे घंटे में सिर्फ हमने 1 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। अगर इस स्पीड से चलते रहे तो अंधेरा भी बहुत जल्दी होने वाला भाई। भाई बारिश भी चालू हो गई है और अंधेरे होने के बेसार बादल देख लो आप कितने ज़्यादा हैं, बादलों के बीच में बिल्कुल इस तरह पहाड़ों की चोटी के ऊपर घूम रहे हैं हम। हर कोई चीज़ नेगेटिव है, एक तो रास्ता ख़राब, बारिश, और टाइम भी कम है हमारे पास अंधेरा होने से पहले। हम 4 राइडर थे, एक का पता नहीं आगे निकल गया कहाँ रह गया भाई। अब तो यहाँ टूटा पेड़ भी भूत लगने लग गया है। ओ भाई ओ देखो कीचड़ भी आ गया, अब इसी की कमी थी वो भी हमें मिल गई। चलो एक बात तो है भाई साहब, हमने पहले आए राइडर हैं जिन्होंने इस जगह को एक्सप्लोर किया है, पहले इससे किसी ने इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया, पहले बार कोई यहाँ पे आया है और हम आए हैं। ओ भाई 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 भाई, भाई। और बारिश हो गई है तेज़, अब मेरे को और रेनकोट डालना पड़ेगा और अपना कैमरा करना पड़ेगा बंद ताकि कैमरे में पानी मत घुसे। बाय बाय भाई, बारिश बंद होगी तो कैमरा चालू करूँगा, हवा को सामने से पता चल जाएगा कितना खतरनाक है इसको यहाँ पे बाइक चलाना। वो देखो देखा लंबा कट मारना लंबा, ओ देखो देखो, ओ भाई मैं कह रहा था लंबा कट मारो यार देख के, बंद करो बंद। कोई ना कोई जुगाड़ करना। और बानू आ मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, हटा दा लगा दा। चलो बानू चल उठा, चलो नीचे नदी है लुढ़क जाते तो नीचे सीधा वो देख के, फिर एक बंदे को जाना पड़ेगा नीचे। भानु है नीचे जा, भाग के जा चढ़ने के ऊपर। वो पीछे जाके धक्का मार धक्का, वो कहीं गिर रहा 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 नदियाँ यार। ओ भाई क्या कर रहे हो तुम यार? हमें भी धक्का मारना पड़ेगा लग रहा है मेरे को यार, अपनी बुल्लो रानी तो चढ़ गई थी ये फंस गई फंस गई फंस गई फंस गई। एक्चुअली टायर गंजा है तुम्हारा जो भाई साहब स्किट कर रहा है वो। हाँ
हाँ भाई साहिल भाई, अब तक की सबसे खतरनाक राइड थी आपकी, इजी थी ये? आज तक की जिंदगी में की ऐसी राइडिंग? और सबसे गंदी बात ये कि इस राइड को जो जो खतरनाक पार्ट था वो हम शूट ही नहीं कर पाए। चलो भाई कल कुलप्रीत भाई से पूछते हैं। कुलप्रीत भाई आप बताओ, आज तक आपने ऐसी राइड की कभी? जो हमने एडवेंचर किया आज तक, इतना बढ़िया एडवेंचर और इतने कम दाम में कभी भी नहीं किया भाई। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, कुलप्रीत भाजी फिर गिर गए। वो ऑफ रोडिंग इतनी खतरनाक थी करके गिरे ना, तो क्या मजा है। ये भी बात है सर, मैं आपको बता दूं, ये जंगल है, अभी जंगल, आप जहाँ खड़े हैं हम अभी, तो थोड़ा सा आपको रास्ता दिख रहा है, इस जंगल में अभी कोई भी नहीं है, हम अकेले पांच बंदे खड़े हैं बाइक लेके, और शाम के 4 बजने वाले, अंधेरा होने वाला है, बारिश इतनी ज़बरदस्त हुई ना कि हमारे बूट, कच्छे, पजामे, टी शर्ट, बनैन सब कुछ पानी से भरा पड़ा है, बुरा हाल हो रखा है। और भानु अब अपने बैग को भी ढक रहा है बढ़िया तरीके से। तो भानु भाई, आज तक की मेरी भी सबसे एडवेंचर राइड थी है जो हमने की है। हो गया हाथ, क्या सब कुछ सुनवा पड़ा भाई। चलो चलते हैं भाई, जूतों में पानी ऐसे भरा पड़ा, पचपच कर रहे हैं। अभी निकालेंगे तो 2-2 लीटर पानी दोनों में निकलेगा। तेरे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहा है। चलो 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 भाई, जल्दी चलो, जंगल में खड़े हो तुम, मजाक करने नहीं खड़े। तो भाई मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक तो ऑफ रोडिंग करो आप, ऑफ रोडिंग ठीक है, चल जाती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऑफ रोडिंग बहुत खतरनाक थी। खतरनाक क्यों थी? एक तो बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी जो हमने चढ़ना था, और मोड़ इतने खतरनाक थे, ऊपर से हो गई बारिश, अब जहाँ जहाँ ऑफ रोडिंग में खड्डे थे हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि खड्डा है कहाँ पे, और जिस कारण क्या हुआ कि कुलप्रीत भाई एक बार गिर भी गए, और हम पहुँच चुके हैं मेन रोड में, शुक्र है भगवान का, शुक्र है भाई, यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई, देख लो सूखे पड़े हैं रोड, यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई। तो मेरे भी जीवन की आज तक की भाई, मेरी लाइफ की सबसे टफेस्ट राइड थी ये, टफेस्ट राइड। अगर आप राइडिंग करते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो आप स्पीति और लद्दाख भूल जाएंगे, इस ट्रैक पे आएंगे नैनीताल टू भाटी घाट, ऐसे पीछे रोड भी जाएगा भाटी घाट आपका, इस रोड जैसा ये रोड चल रहा है ऐसा भी जाएगा, और एक जिस रास्ते पे हम आए हैं वो भी आएगा भाई, और आपको फिर बताएगा। देखो नैनीताल 9 किलोमीटर, दिल्ली 309 किलोमीटर, हल्द्वानी 38। तो हमने दिल्ली की तरफ जाना है, हमने नैनीताल नहीं जाना, शहर में फंसेंगे, यहाँ से कट गया हमारा रास्ता। और चलो भाई अब भगाते हैं पराठा, और कहीं रुक के चाय पियेंगे, फिर आपको बाय बाय करेंगे। तो भाई बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है, इतना बुरा हाल हो चुका है कि पैर भी ना बूट में भीग भीग के, मैं बूटों में इतना पानी भरा हुआ है कि पैर गल से गए हैं। तो आज तक की भाई साहब इतनी खतरनाक राइड हम करके आए, 5 लोगों ने की, एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए इतना खतरा मोल लिया हमने। तो अब हम मुरादाबाद के करीब पहुंचने वाले हैं, और भूख बहुत रही थी, सुबह से रोटी खाई थी भाई, उसके बाद रोटी खाना खाया ही नहीं हमने। तो अब बीच में ब्लॉग भी मैंने बनाया नहीं, मैंने कहा चल जितना बनना था बन गया, अब टाटा बाय बाय करूँगा आपको। तो पंजाबी ढाबा संधू जैलदारा का ढाबा है, वहाँ रुकेंगे, वहाँ रुक के खाना वाना खा के फिर एक बार सीधा दिल्ली, फिर कहीं नहीं रुकना। तो इस ब्लॉग को, इस टूर को यहीं पे एंड करते हैं, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो भाई साहब जगह और हमारा एडवेंचर तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना बढ़िया सा, और शेयर कर देना वीडियो को, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वजह के साथ और नई जगह के साथ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।